अगला प्रश्न है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन और सेट बी है एक्स एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन फाइव इज लेस देन और इक्वल टू टेन तो यहाँ पर जो ए और बी है ये जो है समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है तो पहले हम ए और बी को अलग अलग लिख लेते हैं देखिए ए के जो अवयव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि वह प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का एक अवयव है और यह जो अवयव है ये दो और सात के बीच में लाई करता है या फिर दो और सात के बीच में उपस्थित संख्याएँ हैं तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर दो आएगी फिर तीन फिर चार फिर पाँच छः और सात टू इज लेस देन और इक्वल टू दिया गया इस वजह से यहाँ पर दो भी शामिल होगा और एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू सेवन दिया गया है इस वजह से यहाँ पर सेवन भी शामिल होगा इसी तरीके से बी बी में भी कहा गया है कि इसके जो अवयव हैं ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का अवयव है और इसका मान पाँच से दस के बीच में है फाइव इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू टेन तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन फाइव इज लेस देन आर इक्वल टू दिया गया इस वजह से यहाँ पर पाँच शामिल है और एक्स इज लेस देन इक्वल टू टेन दिया गया है इस वजह से यहाँ पर टेन शामिल है तो हमें दोनों समुच्चयों का यूनियन निकालना है या संघ निकालना है ए यूनियन बी इक्वल टू टू थ्री टू और थ्री हो गया इसके बाद फोर फाइव यहाँ पर भी फाइव है और यहाँ पर भी फाइव हमने लिख लिया फिर सिक्स यहाँ पर सिक्स और यहाँ पर सिक्स सेवन यहाँ पर सेवन और यहाँ पर सेवन फिर एट नाइन और ये फिर टेन तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे अवयवों को लिख लिया है अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है तो देखिए कि यहाँ पर जो अवयव हैं ये दो से लेकर के दस तक के बीच की संख्याएँ हैं और सभी के सभी पूर्णांक संख्या है तो यदि हम इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज़ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का अवयव है और इसका मान दो से लेकर के दस के बीच में होता है और दो भी हो सकता है और दस भी हो सकता है तो इसलिए हमने इसको लिखा है ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू टेन अगला प्रश्न है ए इक्वल टू फाइव सिक्स और सेवन सेट बी जो है ये फाइव है तो हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी भी क्या होगा फाइव सिक्स सेवन होगा क्योंकि फाइ जो है ये सार्वत्रिक उप समुच्चय है या प्रत्येक समुच्चय का उप होता है तो इस वजह से हमें जो उत्तर मिलेगा ए यूनियन बी वो होगा ए यूनियन बी इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन ये इसके अवयव हैं अगला प्रश्न है इक्वल टू कैपिटल एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और बी इक्वल टू कैपिटल जेड ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है तो हमें ए यूनियन भी ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर जानते हैं कि एन जो होता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय जो होता है वो उप समुच्चय होता है कैपिटल जेड के और कैपिटल जेड जो होता है ये उप समुच्चय होता है कैपिटल क्यू के और ये उप समुच्चय होता है आर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के और ये उप समुच्चय होता है काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय से तो इस तरीके से देखिए ये जो Z है ये बड़ा समुच्चय है तो यहाँ पर हमें A यूनियन B जो मिलेगा वो Z मिलेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए N इसका सबसेट ऑफ Z। तो इस तरीके से A यूनियन B जो होगा वो हमें Z मिलेगा अगला प्रश्न X A इक्वल टू एक्स सच देट X बिलोंग्स टू N एन माइनस वन इस लेस देक्वल टू एक्स इस लेस देन आर इक्वल टू फोर और बी इक्वल टू एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन एंड टू इसवल टू एक्स इस लेस देन आर इक्वल टू सिक्स चलिए इसे हल करते हैं तो पहले हम ए को निकाल लेते हैं पहले कहा गया है कि एक्स जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का अवयव है तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है कैपिटल एन ये स्टार्ट होता है वन टू थ्री से इस तरीके से लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है एक्स का मान ऋण एक से चार के बीच में है तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ होगा इसमें हम सिर्फ लिखेंगे वन टू थ्री फोर के यहाँ पर जो दिया गया है इसके अनुसार तो जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा माइनस वन जीरो वन टू थ्री और फोर लेकिन यहाँ पर जो स्थिति दी गई है कि एक्स बिलोंग्स टू एन तो एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का अवयव है और प्राकृत संख्या शुरू होती है एक से लेकर तो यहाँ पर एक दो तीन और चार यही हमें जो सेट ए मिलेगा अब आ जाते हैं सेट B पर B जो है इसके भी अवयव प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का अवयव है और इसका मान दो से छः के बीच में है तो दो तीन चार पाँच और छ तो इस तरीके से हमें ए यूनियन बी जो मिलेगा ये मिलेगा एक हमने लिख लिया दो यहाँ पर भी हमने लिख लिया तीन चार पाँच और ये छ तो एक दो तीन चार पाँच छः ये हमने लिखा है ये ए यूनियन बी है जो कि हमें ज्ञात करना था अगला प्रश्न है यदि ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर सेट बी जो है इसमें अवयव है तीन चार पाँच और छः। इसी तरीके से सेट सी है इसमें अवयव है पाँच छ सात आठ और डी एक दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव हैं सात आठ नौ दस ग्यारह तो हमें याद करना है ए यूनियन बी पहला देखिए ए यूनियन बी में वे सारे अवयव आएंगे जो कि या तो ए में है या तो बी में है या तो दोनों में है तो देखिए ए यूनियन बी अगर हमें लिखना है तो पहले हम ए के सारे अवयव को लिख लेते हैं एक दो तीन चार अब बी के सारे अवयव को फिर से लिखेंगे लेकिन तीन और चार हम यहाँ पर लिख चुके हैं पाँच और छः ये दो अवयव बच गए तो इस तरीके से हमने ए यूनियन बी लिखा इसमें दूसरा प्रश्न है ए यूनियन सी तो यहाँ पर ए और सी दोनों के अवयव को एक साथ हम यहाँ पर लिखेंगे तो ए के जो अवयव है वो क्या है वन टू थ्री और फोर सी में क्या है फाइव सिक्स सेवन एट तो लिख दीजिए आगे फाइव सिक्स सेवन एट तो इस तरीके से हमने ए यूनियन सी निकाल लिया अब इसमें तीसरा प्रश्न है ए यूनियन बी यूनियन सी तो वे सारे अवयव जो कि ए में भी ए में है बी में है सी में है या फिर ए और बी दोनों में है और बी और सी में भी दोनों में भी है तो इस तरह सारे अवयवों को हमें एक साथ लिख देना है बस इस बात का ध्यान रखना है कि अवयवों की पुनरावृत्ति ना हो या फिर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी अगर आपको मिल गया है तो उसका यूनियन आप सी के साथ कर लीजिए तो ए यूनियन बी हमने निकाल लिया है लिख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स यूनियन सी सी में है यूनियन सी में है फाइव सिक्स सेवन और एट तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो ये हमने सारे अवयव को लिख लिया फाइव और सिक्स को यहाँ पर लिखा जा चुका है चूँकि पुनरावृत्ति नहीं होती इस वजह से दोबारा नहीं लिखेंगे सात और आठ यहाँ पर दो अवयव और बच गए तो इसे आप एक तरीके से लिख लीजिए तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये ए यूनियन बी यूनियन सी के अवयव हैं अब इसमें एक और प्रश्न देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी ए यूनियन बी यूनियन डी ये हमें याद करना है तो वे सारे अवयव ए के सारे अवयव को हम पहले लिख लेंगे वन टू थ्री फोर अब आ जाते हैं बी पर थ्री और फोर को हम पहले ही लिख चुके हैं फाइव और सिक्स ये दो अवयव बच गए इसे लिख दीजिए फाइव और सिक्स अब आ जाते हैं डी पर डी पर सेवन एट नाइन टेन एलेवन आगे लिख देते हैं सेवन एट नाइन टेन और एलेवन यह ध्यान रखना है कि अवयवों की पुनरावृत्ति ना हो तो इस तरीके से यह उत्तर है जो हमें चाहिए था इसमें एक और प्रश्न है बी यूनियन सी यूनियन डी तो ये हमें याद करने के लिए पहले बी निकाल लेंगे बी तो दिया हुआ है सी यूनियन डी हम निकालना होगा तो बी जो दिया गया है ये है तीन चार पाँच और छ यूनियन सी यूनियन डी सी के सारे अवयव पहले लिख लीजिए फाइव सिक्स सेवन एट और डी के जो अवयव हैं वो क्या है सेवन एट तो हम लिख चुके हैं नाइन टेन और एलेवन तो यहाँ पर हमें जो उत्तर मिलने वाला है ये है तीन चार पाँच छ तीन चार पाँच छः पाँच छः को हम यहाँ पर लिख चुके हैं सात आठ नौ दस ग्यारह नौ दस ग्यारह तो इस तरीके से ये जो उत्तर हमें मिला है ये बी यूनियन सी यूनियन डी का उत्तर है अगली संक्रिया है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स तो पहले हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसे हम यू से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर एक सेट है ए और यहाँ पर एक दूसरा सेट है बी तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक ऐसा अवयव का समुच्चय है या ऐसे अवयव हैं, जो कि ए और बी दोनों समुच्चयों पर उपस्थित है तो यहाँ पर ये जो हमें सेगमेंट दिखाई दे रहा है जिसे मैं छाया चित्र बना रहा हूँ यह जो चित्र है या यह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यही ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करता है ए इंटरसेक्शन बी ऐसे अवयवों का समुच्चय है ए और बी इक्वल टू एक्स है जहाँ पर एक्स जो है ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है तो देखिए इसे एंड लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यदि कोई अवयव ए इंटरसेक्शन बी पर है तो देखिए अगर ये पॉइंट हम यहाँ पर लें तो ये ए पर भी स्थित है और ये पॉइंट यहीं पर है तो ये बी पर भी स्थित है तो इस तरीके से अगर कोई अवयव ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित है तो वह ए में भी होगा और वह बी समुच्चय पर भी होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यदि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और यदि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b है तो वो हमें देगा कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है या फिर उसमें शामिल है और यदि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो ना तो वो a में होगा और ना ही वह बी में होगा तो यहाँ से हम दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वो ये कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ए समुच्चय का उप समुच्चय है देखिए ये जो पार्ट सेडेड एरिया है ये समुच्चय ए के अंतर्गत है तो इस वजह से हमने लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का उप है इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी ये बी का भी उप है देखिए ये जो सेडेड एरिया है ये बी में भी आ रहा है इस वजह से हमने लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के नियम या फिर लॉस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स तो यदि ए बी व सी तीन समुच्चय हो तो वो सर्वनिष्ठ के नीचे तो समुच्चय के कुछ नियम हैं जिससे हम आगे सिद्ध करने वाले हैं उसका वो पालन करेंगे तो उसमें से पहला नियम है वर्ग सम नियम वर्गसम नियम को आपने यूनियन के लिए पढ़ा था अभी हम इंटरसेक्शन के लिए पढ़ेंगे वर्गसम नियम आई डेम्पोटेंट लॉ इसमें ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है ये वर्गसम नियम है सर्वनिष्ठ के लिए तो चलिए पहले हमने थोड़ी देर पहले यह देखा था कि ये एक यूनिवर्सल सेट यू है ये सेट ए है और ये सेट बी है यदि कोई अवयव ए इंटरसेक्शन बी में शामिल है तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर ये यह जो सेडेड एरिया है इसमें कहीं पर है अगर वो यहाँ पर है तो वो सेट ए पर भी है और इस तरीके से वो सेट बी पर भी शामिल है तो और शब्द का इस्तेमाल होगा यदि एक्स बिलोंग्स टू ए है तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी या फिर यहाँ पर हम एंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसी कंसेप्ट को लेकर के हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि पहला एक अवयव हम ले लेंगे जो कि इंटरसेक्शन ए में शामिल होगा फिर हमें वह मिलेगा कि वो सेट ए में का एक अवयव है इस तरीके से एक संबंध आएगा कि ए इंटरसेक्शन ए इसका सबसेट ऑफ ए इसे हम पहला समीकरण मिलेगा फिर दूसरी तरफ हम ये लेकर के चलेंगे कि एक अवयव है जो कि सेट ए में है और आगे उसे हल करने पर या संक्रिया लगाने पर हमें मिलेगा कि वो ए इंटरसेक्शन ए पर भी उपलब्ध है तो इस तरीके से हमें मिलेगा एसा सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इसे हमें दूसरा समीकरण मिल गया इन दोनों से हम यह दर्शा पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है तो चलिए माना X A इंटरसेक्शन A का अवयव है यह हम मान करके चलेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं A एस A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A यहां पर जो हमने देखा वो हम यहां पर लिख रहे हैं यहां पर A के स्थान पर यहां पर B है और यहाँ पर ये यह A है तो A बिलोंग्स x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A होगा परिभाषा से तो चूंकि दोनों सेट जो है वो एक ही सेट है तो इससे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A देखिए हमने एक अवयव यहाँ पर लिया था जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए ये हमने इसे पहला समीकरण नाम दिया फिर पुनः हम ये मानकर चलते हैं कि एक्स जो है वो सेट ए का एक अवयव है तो इससे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए जब कोई अवयव ए में होगा तो ए में भी होगा तो हम यहाँ पर और शब्द का या एंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे यह कंक्लूजन आएगा कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन की जो परिभाषा होती है कि यदि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो वो a में भी बिलोंग करेगा और b में भी बिलोंग करेगा तो यहाँ पर हमें मिल रहा है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a और हम लेकर के चले थे कि वह अवयव ए में है तो इससे यह कंक्लूजन निकल रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यह दूसरा समीकरण समीकरण एक व दो से हम यह लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए और यही वर्गसम नियम या आइट लॉ है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के लिए